आदरणीय पंडित फूलचंद जी शास्त्री सिद्धांताचार्य, उन्होंने उसे थोड़ा रूपांतरित करने का प्रयास किया, लेकिन शैली वही की वही रखी। कैसा है शुद्धात्मा और कैसा है, इस तरह से बीच में जो बात उन्हें कहनी है उसे प्रश्न उठा करके और फिर भावार्थ इस प्रकार है, जो उनका मंतव्य है उसे भावार्थ के नाम से रख के, तो उसमें स्पीड ब्रेकर बहुत हैं। मुझे 25 वर्ष पहले ये विकल्प आया था कि हमारी आज की पीढ़ी तो इसमें अवगाहन कर ही नहीं सकती। यद्यपि पूज्य गुरुदेव श्री ने 2-3 बार कलश टीका पर भी व्याख्यान किए हैं और इसमें अनेक मार्मिक रहस्य ऐसे हैं जो अपना ये तत्व चिंतन का आंदोलन है उसके आधार स्तंभ बनते हैं, आधारभूत हैं। इसलिए इसके बीच के स्पीड ब्रेकर हटा के और फ्लो में इसको परिवर्तित किया जाए, ये प्रयास प्रारंभ किया था। बीच में अटक गया कई कारणों से, आखिर वो पुनः पूरा हुआ। तो ये समयसार कलशामृत के नाम से ये आपके सामने है। ग्रंथ और भी हैं, संजय जी के पास होंगे, आप चाहें तो बाद में मंगा भी सकते हैं। इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें एक पद्यानुवाद डाला है, जो प्रयास मैंने भी किया है। मूल कलश तो है ही, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे शास्त्री की पीढ़ी इस कलशों का गहराई से रसपान करे। आज तो समय कम है, नहीं तो कल से तो अपन मूल कलशों का भी पाठ करेंगे प्रारंभ में। तो जब तक अन्वयार्थ अपने चित्त में नहीं बैठे तब तक उस कलश का रस नहीं आवे। चित स्वभावाय भावाय, अपन अच्छे स्वर में गा तो सकते हैं ऐसे, लेकिन इसका मतलब क्या है? भावाय माने सत्ता स्वरूप पदार्थ, चित स्वभावाय माने चैतन्य लक्षण वाला। कौन? समयसार, उसको नमस्कार हो। इसलिए इसमें अन्वय अर्थ भी दिया, और वो लिया है जो अपने मंगलायतन से, सोनगढ़ से जो समयसार प्रकाशित हुआ, उसमें वो अन्वय अर्थ दिया है, हूबहू वहाँ से लिया गया। फिर बाद में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भी इस पर भावार्थ कलशों पर भी लिखा है। पूरे ग्रंथ की तो उन्हें वचनिका लिखी है, उसी के अंतर्गत उन्होंने इसका कलशों का भी भावार्थ लिखा है। तो क्यों न दो विद्वानों का लाभ मिले, इसलिए राजमल जी की टीका का हिंदी आधुनिक रूपांतर और जयचंद जी छावड़ा, उसकी तो भाषा पहले ही से रूपांतरित थी, मंगलायतन से भी उसे प्रकाशित किया गया, तो वो भी इसमें दिया गया। और जब सब कुछ है तो बनारसीदास जी को कैसे भूल सकते थे। तो उस कलश संबंधी जो उनका अनुवाद है, जो कलशों के नज़दीक बैठता है, हूबहू तो नहीं है, दादा तो इसको भावानुवाद कहते, तो वो भी इसमें दिया। तो 2 काव्य और 2 टीकाएं और एक अन्वयार्थ, इस तरह से ये एक बहुमुखी उपयोगी ये कृति है। देवलाली में हमने इसका धारावाहिक स्वाध्याय प्रारंभ किया है और अभी संबर अधिकार के कलशों तक पहुंच गए हैं। हमने सोचा कि ढाई दीप में जब हम 10 लक्षण में प्रवास करेंगे इंदौर, तो वहाँ विषय आगे बढ़ा जाए। वो देवलाली के श्रोताओं के प्रति थोड़ा अन्याय होता। एक भाई ने कहा कि आप तो कुछ दूसरा ले लेना, ये जो यहाँ चल रहा है उसको तो यहीं चलने दो। तो इसमें जो मर्म स्थल हैं उनकी चर्चा हमने ढाई दीप में की, पहली कलश से, और 10 कलशों तक जो है वो इंदौर में। पूरी टीका नहीं पढ़ी, एक एक पंक्ति ना यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन समयसार कलश टीका के ध्यानाकर्षक बिंदु इस हेडिंग से वो प्ले लिस्ट में भी हैं यूट्यूब पर। तो 10 के बाद में अपन देखेंगे जो जैसे कि चौथे कलश में सम्यक्त वस्तु सहज साध्य है यत्न साध्य नहीं, ये बड़ा क्रांतिकारी वाक्य है ये, और इस पर काफ़ी गोष्ठियाँ, चर्चा, मीमांसा सब हो सकता है। इसी तरह से उसी कलश में काल लब्धि आने पर ये जीव सम्यक्त रूप परिणमता है, और ये जीव इतने काल बाद मोक्ष जाएगा ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। तो जब केवल ज्ञान में हमारी मोक्ष पर्याय भगवान ने देखी है, तो लोग इसका दुरुपयोग ऐसा करते हैं, तो हम क्यों पुरुषार्थ करें? इसका मतलब वो केवल ज्ञान को समझते ही नहीं, अकेली मोक्ष पर्याय देखी होगी, उसके पहले श्रेणी आरोहण नहीं देखा होगा, छपक श्रेणी, उसके पहले मुनि दशा नहीं देखी होगी, और जो कार्य भगवान ने देखा है उसके अनुकूल पुरुषार्थ नहीं देखा होगा। ये सिंपल बात है, मतलब इसमें आपको तो इशारा किया मैंने, और कम से कम 20 जगह इसमें ये आया होगा, काल लब्धि पाकर के ये जीव सम्यक्त रूप परिणमता है। अभी 12वें कलश में भी आएगा। आज तो मैं 11वें कलश की शुरुआत करता हूँ। अपन सभी मिलके ये 11वें कलश का संस्कृत और हिंदी पाठ करते हैं। आ गया ना इसमें? नहि विदधति बद्धस्पृष्ट भावादयोमी सुटमुपरितरन्तोऽप्येत्यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। हरे जगत के भव्य प्राणियों मोह भाव का नाश करो, जो है सदा प्रकाशित सर्व अवस्थाओं में उसे लखो, जिसमें ये रागादि विभाव प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं, उसका ही तुम अनुभवन करो। कदम कदम पर आचार्य देव ने मोह का नाश करने की प्रेरणा दी है। जिसे अपन मोक्ष कहते हैं वो भी वास्तव में मोह के अभाव को ही ध्वनित करता है। मोह क्षय, आप बार बार बोलो मोह क्षय तो मोक्ष बन जाएगा। है मोह का क्षय ही मुक्ति है। बाकी तो फिर बाकी के 3 घातियाँ चले जाते हैं, 4 घाती चले जाते हैं, वो तो बाद की प्रक्रिया है। असल में तो मोक्ष यानी मोह का क्षय। तो आचार्य देव ने मोह क्षय की प्रेरणा दी है, और वो कैसे संभव है? वो इसलिए संभव है कि ये बद्ध स्पष्ट भावादयो अमी भावा स्फुटम उपरितरंतो, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये ऊपर ऊपर तैरते हैं। इसका कलश आएगा बनारसीदास जी का, वो जैसे भिन्न तोय अरु तेल, पानी के ऊपर जैसे तेल बिंदु तैरती है, वैसे रागादि भाव स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते, ऊपर ऊपर तैरते हैं। इस उदाहरण से उन्होंने राग और ज्ञान की भिन्नता बताई है। अब आप देखिए इसमें जो एक पंक्ति आई है जो है सदा प्रकाशित सर्व अवस्थाओं में उसे लखो। अनुभवतु तम एव द्योतमानम समन्तात, सर्व अवस्थाओं में प्रकाशित है, और जब प्रकाशित है ही तो फिर अनुभव करने की क्या जरूरत है, तो प्रकाशित है ही। ऐसी दो विरोधाभास वाली बातें जगह जगह आती। ये तो 14वीं गाथा के बाद का कलश है, और इसके पहले इसके बाद में जो 17वीं 18वीं गाथा आएगी उसमें तो आबाल गोपाल सबको सदा काल स्वयं भगवान आत्मा सदा अनुभव में आ रहा है। लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ कॉमा है। फिर उन्होंने कहा किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, लेकिन मोह के कारण मुझे ज्ञान धारा ही प्रवाहित हो रही है, इसका अनुभव नहीं हो रहा है। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें अनुभव नहीं है, हमारी समस्या ये है कि अनुभव है तो भी हमें पता नहीं। अनुभव माने ज्ञान भी होता है। तो सर्व अवस्थाओं में प्रकाशित है। टीका की पहली पंक्ति देखिए, जगत के सभी जीव पूर्वोक्त जीव वस्तु को शरीर आदि परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि का अभाव करके जैसी है वैसी प्रत्यक्ष स्व संवेदन रूप आस्वादन करो। जो हमारे वरिष्ठ विद्वान साथी हैं, अगर वो इसकी ओरिजिनल जो समयसार कलश टीका है वो भी रख ले हुए, और ये भी, ये तो है इधर, तो तुलना भी हो जाएगी कि क्या इसमें रूपांतर करने में क्या मतलब ध्यान रखा गया है। अब देखिए, वस्तु जैसी है वैसी प्रत्यक्ष स्व संवेदन रूप आस्वादन करो, ऐसे शब्द भी आपको इस टीका में कदम कदम पर मिलेंगे। जो एक धारणा है कि छद्मस्त को तो आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता, उसके विरुद्ध ये कितनी बातें हैं। लोग कह सकते हैं कि ये तो गृहस्थ विद्वान ने लिखा है, ये आचार्य का नहीं है, आर्षवाग के नहीं है, और जो बात गले नहीं उतरती तो उसके लिए फिर यही तीर चलाया जाता है। लेकिन स्वयं आचार्य देव ने लिखा है ना, जगत अपगत मोही भूय सम्यक स्वभावम तमेव द्योतमानम समन्तात अनुभवतु। हे जगत के जीवो, उस स्वभाव को अपगत मोही भूय, मोह का अभाव करके। अब टीकाकार ने क्या इसमें कलाकारी की है कि मोह का अभाव करने का मतलब क्या है, ये उन्होंने लिख दिया इसमें। वैसे तो एक कॉमन बात है कि भैया मोह नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। ये मोह का मतलब ये समझते हैं, बाल बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको स्कूल भेजना पड़ता है, धंधा पानी करना पड़ता है, ये सब अपन मोह में पड़े हुए हैं। अरे ये तो मोह रूपी वृक्ष के पत्ते पत्ते हैं। असल में तो मोह रूपी वृक्ष की जड़ तो मिथ्यात्व है, जिसके लिए उन्होंने इशारा किया शरीर आदि पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि का अभाव करके। तो दो बातें आ गई इसमें, स्व संवेदन प्रत्यक्ष। देखो एक बात, थोड़ा आप सब यहाँ पर विद्यार्थी हैं और गहन अभ्यासी हैं। दादा ने तो बढ़िया सर्टिफिकेट दिया है, जिसे आज अपन ने पुनर्जीवित किया कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं। दादा का यहाँ वो वीडियो दिखाया था 4-5 साल पहले का, और ये बाद में बड़े पंडित जी बनने वाले हैं, समझ में आया ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ बहुत ध्यान से देने की है, देखने की है। ज्ञान का स्वभाव ही स्व संवेदन स्वरूप है। ये कला और ये खूबी ज्ञान के अलावा किसी दूसरे गुण में नहीं है। दर्शन गुण भी यद्यपि चेतना का परिणमन है, लेकिन वो चेतना की इतनी, समझ लो गर्भ काल का प्रथम बिंदु चेतना का, जिसमें कोई आकार ही नहीं बनता, उसकी ताकत इतनी नहीं है। चेतना का परिणमन, दर्शन और ज्ञान दो भेद है ना चेतना के, लेकिन उस दर्शन में पदार्थों को किसी दूसरे से भिन्न जान सके कि ये काला है, ये पीला है, ये जड़ है, ये चेतन है, ऐसी ताकत नहीं। पर वही चेतना जब डेवलप होती है तो अवग्रह या अवाय की प्रक्रिया से धारणा तक पहुंचती है, फिर श्रुत ज्ञान में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए इस श्रुत ज्ञान में या मति ज्ञान में ज्ञान स्वसंवेदन की उसमें योग्यता आ जाती है। दर्शन में स्वपर का भेद ही नहीं है तो स्वसंवेदन का क्या मतलब है। लेकिन ज्ञान स्वसंवेदन माने ज्ञान में ज्ञान का स्वाद तो आता ही है, ज्ञान में ज्ञान ही विद्यमान रहता है। ये चर्चा तो बहुत चलेगी और चलती रहती है। आप लोगों को ध्यान होगा समयसार परिशिष्ट में जब 47 शक्तियों का वर्णन प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि ज्ञान लक्षण वो आत्मा का असाधारण लक्षण है। बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर हैं समयसार परिशिष्ट जब चालू होता है तो उनने कहा कि भाई ये तो एकांत हो गया, अकेले ज्ञान को ही आप इतना महत्व दे रहे हैं, उसमें तो दूसरे अनंत गुण भी हैं। तो है, हमें पता है। तो जब हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं तो उसकी अविनाभावी अनंत शक्तियों का, गुणों का, धर्मों का निषेध नहीं करते, बल्कि उसके विरुद्ध जो रागादि भाव हैं उनसे भिन्न बताते हैं। तो आप सुख को लक्षण क्यों नहीं कहते, वीर्य को लक्षण क्यों नहीं कहते। देखो, लक्षण अलग चीज है, स्वभाव अलग चीज है। हो सकता है जो लक्षण है वो स्वभाव भी होवे, समझ में आया ना। लेकिन हर स्वभाव लक्षण होता है ये जरूरी नहीं है। उष्णता अग्नि का स्वभाव भी है और लक्षण भी है, उसमें ये दोनों धर्म है। इसी तरह ज्ञान आत्मा का स्वभाव भी है और लक्षण भी है। लक्षण किसे कहते हैं आप सब जानते होंगे, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम है। अब वो दिन याद आते हैं, दादा वहाँ बैठते थे, ये तो सब पिलर विलर कुछ थे नहीं और उधर गद्दी लगती थी, उधर ही सभा होती थी। सभा उधर बड़ी मुश्किल से इस डायरेक्शन में लाए उसको, क्योंकि माइक चूं चूं करते रहते थे। तो वो न्याय दीप का पढ़ाते थे, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। तो उष्णता लक्षण से अग्नि पहचानी जाती है और धुआं लक्षण है कि नहीं है, वो क्या है। वो तो अगर अग्नि दिख नहीं रही हो और धुआं दिख रहा हो तो साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, तो वो तो अग्नि को जानने का साधन है, पहचानने का नहीं। क्या अग्नि को पहचानना हो तो उष्णता से पहचानना पड़ेगा, और जानना हो माने जब वो अदृश्य होवे, पर्वतो यम वन्यमान, जब वो अदृश्य होवे लेकिन धुआं दिख रहा होवे तब की बात। सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि ये सब आत्मा के स्वभाव तो हैं लेकिन लक्षण नहीं। लक्षण प्रकट होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, दृष्टिगोचर होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये लक्षण का लक्ष्य कौन सा है। यानी इस लक्षण के द्वारा हम किस वस्तु की पहचान कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। इस तरह से ज्ञान लक्षण में एक ऐसी अद्भुत, समझ लो, खूबी है। इसलिए स्वसंवेदन रूप आस्वादन ज्ञान में, ज्ञान का ही संवेदन होता है। संवेदन माने ज्ञान ज्ञान को फील करता है। अभी और मैं चर्चा आगे बाद में बढ़ाऊंगा, अभी तो समय कम है। मैं जानता हूं, ऐसा कौन नहीं जानता। हम तो उदाहरण दिया करते हैं, मान लो एक प्रश्न यहां पूछा और ये नहीं कहा कि उत्तर देना, ये कहेंगे कि जिसे आता हो वो हाथ ऊंचा करे। हमने एक प्रश्न पूछा, अनुमान किसे कहते हैं, जिनको आता हो वे हाथ ऊंचा करना। आधे विद्यार्थियों ने किया, तो हमने उनसे पूछा तुमने हाथ ऊंचा क्यों किया? बोले मुझे पता है ना अनुमान किसे कहते हैं। तो ये पता है कि नहीं पता है, पता का पता है कि नहीं है। और जिनने नहीं किया उनसे पूछा भाई तुम लोग चुप क्यों बैठे हो, बद्धा कक्षे हम क्यों नहीं हुए, कमर कस के हैं क्यों नहीं हुए? अरे साहब पढ़ा तो था लेकिन हम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उन्हें ये पता है कि मुझे पता नहीं है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान है, और जिन्हें पता है उन्हें अपने ज्ञान का ज्ञान है। गहराई से देखा जाए तो निगोद से लेकर सिद्ध तक हर जीव को मैं जानता हूं, ये फीलिंग तो होती है। बस फर्क यहां पड़ जाता है, वो रागादि ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, वो मेरे स्वरूप में नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान नहीं होने से अज्ञान दशा में भी ज्ञान गंगा बहते हुए भी जीव शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता। शुद्धता की बात नेक्स्ट कलश में आएगी। वो मतलब ज्ञान गंगा का स्वाद, गंगा जल नहीं पी पाता क्योंकि उसे उसकी पहचान नहीं। तो ये इसमें ज्ञान का, और एक बात और, ज्ञान में ज्ञान का स्वाद तो आता ही है, लेकिन जिस समय ज्ञान ज्ञान की ओर सन्मुख होकर ज्ञान का स्वाद लेता है तो उसका एक और अलंकारिक भाषा में कहें पुत्र पैदा होता है, वो है आनंद। तो आनंद को भी जानता है और आनंदित भी होता है। ज्ञान का स्वभाव ही निराकुलता है, आनंदमय है। इसका लॉजिक सुन लीजिए। सारी आकुलता कर्तृत्व के भार में होती है, चाहे पर का कर्तृत्व हो, स्थूल अज्ञान हो, और थोड़ा अज्ञान का पारा डाउन हुए तो अपना, मुझे तो बस अपना हित करना है। भावना तो अच्छी है लेकिन हित करने का मतलब क्या है और हित कैसे किया जाता है, इस ओर भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना, है। तो कर्तापने के भार से ही जीव आकुलित रहता है, चाहे स्त्री पुत्र इत्यादि का हो, संस्थाओं का हो, अपना हो, शरीर का हो, अपने परिणामों में फेरफार करने का हो। और वो कर्तापने का भार, आज ही शायद दादा बोल रहे थे, मैं तो एक दिन पहले वाला सुनता हूँ, पीछे वाला है वो जो यहाँ चल रहा था, मैंने वहाँ कल वाला सुना था। तो ज्ञान क्रिया और कर्तापना दोनों विरोधी हैं, ये बात आ रही थी ना आज के उसमें। हाँ, तो ज्ञान में कर्तृत्व नहीं है इसलिए ज्ञान में भार नहीं है, और क्योंकि ज्ञान में भार नहीं है इसलिए ज्ञान सुखरूप है। इस तरह से स्वसंवेदन ज्ञान में आनंद भी प्रकट होता है। फिर भावार्थ के नीचे की एक पंक्ति बता के पूरा करता हूं। ये शुद्ध स्वरूप सब प्रकार से प्रकाशमान है, यानी अनुभव में आने पर कुछ भ्रांति नहीं रहती। तो हमारी वर्तमान परिणति में अगर वो शुद्ध स्वरूप की किरण ना होवे तो हम किसके आधार से वहां तक पहुंचेंगे? तो वो किरण कौन सी है? ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और मति और श्रुत को कोष्टक में ले लो। कोष्टक समझते, बीज गणित में कोष्टक पढ़ते हैं, उनको अलग रखो और ज्ञान को कॉमन रखो। मति श्रुत को बाहर रखो, ज्ञान को कोष्टक में रखो, तो दोनों जगह लागू हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि 12 प्रकार का उपयोग होता है, मालूम है, 4 दर्शन और 8 ज्ञान, और 8 ज्ञान में 3 अज्ञान भी शामिल हैं। आश्चर्य की और आनंद की बात यह है कि पूरे 12 प्रकार के उपयोग में उपयोग सामान्य है। पर्णमन में उपयोग माने चैतन्य का व्यापार। अब वो मति है कि श्रुत है कि कुमति है, वो बात बाद की, पहले उपयोग को ग्रहण करो। ये सब अवस्थाओं में प्रकाशमान, सब प्रकार से प्रकाशमान है। इस तरह से हमारे पास वो सामग्री मौजूद है जिसको लक्ष्य करके हम सीधे ज्ञायक भाव तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इस टीका में कदम कदम तक हमें संदेश मिलेगा। आप लोग भी पूरी लगन से, क्योंकि ये चर्चा थोड़ी सी अलग टाइप की है, कम चलती है, चलती तो बहुत है लेकिन इस शैली में कम चलती है, तो सभी लोग इसका लाभ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी भावना से मैं अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाश जो सर्व अवस्थाओं में प्रकाशित है, ऐसा जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव की चर्चा आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम सभी ने यहाँ से सुनी है। प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रवचन में ऐसे मार्मिक प्रवचन का लाभ आदरणीय भाई साहब का हम सभी को मिलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति के पश्चात 4 कक्षाएं संचालित होंगी। यहाँ प्रवचन हॉल में समयसार की जो 49वीं गाथा है उस पर डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब की कक्षा प्रारंभ होगी। कर्म सिद्धांत विषय पर ऊपर पंचतीर्थ जिनालय पे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री कक्षा लेंगे। पुण्य पाप विषय पर डॉक्टर तपीश जी शास्त्री के द्वारा झंडारोहण स्थल की जो कक्षा है सामने प्रथम मंजिल पर, वहाँ उनकी कक्षा चलेगी। और वर्तमान योग की कथन पद्धति विषय पर पंडित नीतेश जी शास्त्री कोटा वालों की कक्षा सीमंदर जिनालय की जो कक्षा है यहाँ पर चलेगी। कक्षावार विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं में बैठेंगे और जो साधर्मी है विषय अनुसार जिसमें बैठना चाहें उसमें बैठ सकते हैं। और इस शिविर की विशेषता है अंतिम दिन और सभी विषय जो हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उन सभी विषयों की परीक्षा होती है, तो साधर